पृथ्वीराज सिंह चौहान की बायोपिक का बजट, क्या है पृथ्वीराज सिंह चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी, और किस तरह मारा मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज सिंह चौहान ने। हेलो दोस्तों, बॉली ग्राज स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अक्षय कुमार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे हैं, फिर चाहे वो केसरी हो, स्पेशल 26 हो, टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या फिर पैडमैन, उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसी के साथ ही अक्षय कुमार अब अपनी अगली फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो कि पृथ्वीराज सिंह चौहान की बायोपिक है और उसमें वो पृथ्वीराज सिंह चौहान का ही रोल करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म को 300 करोड़ की फिल्म माना जा रहा है, इसके जिस तरह से सेट्स पर काम किया जा रहा है और जिस तरह स्टोरी पर काम किया जा रहा है उसकी वजह से। फिल्म के सेट्स को तैयार किया जा रहा है मुंबई में और कुछ सीन्स शूट किए जाएंगे राजस्थान में भी, एक्चुअल लोकेशंस पर। लेकिन किस तरह की दिल्ली दिखती थी उनके टाइम पीरियड पर, उस तरह उस पूरे टाइम पीरियड को रिक्रिएट किया जा रहा है मुंबई के सेट्स में। तो हमें वाकई इस फिल्म को देखकर वापस से दिल्ली का पुराना वो टेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की जिंदगी की। पृथ्वीराज सिंह चौहान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक और एक महान वीर योद्धा थे, जिन्होंने बचपन में ही एक शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। साथ ही जवानी के दिनों में उन्हें कन्नौज के महाराज जयचंद की बेटी संयोगिता से इश्क हो गया था, और इश्क भी ऐसा कि उनको उठाकर उनके स्वयंवर से ही लेकर आ गए थे। तो इन्हीं की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी दिलचस्प इनकी लव स्टोरी रही थी। पृथ्वीराज सिंह चौहान को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया गया उनके नाना की डेथ के बाद। महाराजा अंगपाल, जो कि दिल्ली के सम्राट और पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाना थे, उनका कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अजमेर के महाराज सोमेश्वर, जो कि उनके दामाद और पृथ्वीराज सिंह चौहान के पापा थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको परमिशन दें कि पृथ्वीराज सिंह चौहान को दिल्ली का युवराज अनाउंस किया जाए। तो महाराजा सोमेश्वर ने थोड़ा सोच विचार करने के बाद उनको परमिशन दे दी और महाराजा अंगपाल ने अनाउंस किया पृथ्वीराज सिंह चौहान को दिल्ली का युवराज। उनके इस अनाउंसमेंट के बाद से कुछ लोग खफा भी हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ के बाद थोड़ी पॉलिटिकल दिक्कतें आईं, और लेकिन आखिरकार पृथ्वीराज सिंह चौहान को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया गया। अब उसी वक्त कन्नौज में राज हुआ करता था महाराजा जयचंद का, जिनकी एक बहुत खूबसूरत सी बेटी थी संयोगिता। महाराजा जयचंद पृथ्वीराज सिंह चौहान से जला करते थे, उनको अचानक से जो फेम मिल गई थी इस वजह से उनसे थोड़ा वो चिढ़ते थे। तो अभी उन्हीं दिनों की बात है कि एक बार कन्नौज में एक पेंटर पहुंचा, जिसने बहुत बड़े बड़े महारथियों की पेंटिंग बनाई हुई थी। अब उन्हीं पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग थी दिल्ली के जवान सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने वो पेंटिंग भी निकाली और सबको दिखाने लग गए। अब जब कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज सिंह चौहान की पेंटिंग देखी तो वो तो पेंटिंग देखती ही रह गई। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिल्ली का सम्राट इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरह से बातें फैलनी शुरू हुई, लड़कियां आपस में गॉसिप्स कर रही हैं कि आप तुमने देखी पेंटिंग, तुमने देखी कितने ज़्यादा सुंदर है वो। इसी तरह से बात पहुँचते पहुँचते संयोगिता के कान में पहुँची। संयोगिता ने सुना तो उन्हें भी लगा कि अच्छा, ऐसा कौन सा इंसान है जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो भी गई पेंटर के पास और उन्होंने कहा कि जी हमें भी पेंटिंग दिखाइए, हम भी देखें कौन है जो इतना खूबसूरत है। तो उन्हें वो पेंटिंग दिखाई गई तो पेंटिंग देखकर उन्होंने अपना दिल दिमाग सब कुछ पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाम कर दिया। लेकिन हर महान कहानी की तरह उनका भी मिलन इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पापा महाराजा जयचंद और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में बहुत ही कट्टर दुश्मनी थी। अब इसी के बाद जो पेंटर था वो आया दिल्ली और मिला पृथ्वीराज सिंह चौहान से। उनसे मिलने के बाद उसने रिक्वेस्ट की और संयोगिता की एक पेंटिंग बनाकर पृथ्वीराज सिंह चौहान के सामने रखी। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जैसे ही संयोगिता को देखा तो उनको भी देखते ही संयोगिता से प्यार हो गया। लेकिन इसी बीच कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ। महाराजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर अनाउंस कर दिया, और उसके लिए उन्होंने पूरे देश के अलग अलग राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को इनवाइट किया। लेकिन जलन की वजह से पृथ्वीराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया, और साथ ही उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए द्वारपाल की जगह पर उनकी एक मूर्ति खड़ी कर दी।
अब संयोगिता तो बहुत खुश हो रही थी कि जी शादी हो रही है, वो भी स्वयंवर, तो अपने जो मेरा दिल का जो राजकुमार है उसी से शादी करूंगी। तो वो खुशी खुशी पहुंची है वहां पर, हाथ में उनके वरमाला है, देखती है चारों तरफ तो उन्हें कहीं पर नजर ही नहीं आते पृथ्वीराज सिंह चौहान। वो सारे में ढूंढ रही है लेकिन वो है ही नहीं, होंगे भी कैसे, उनको तो इनवाइट ही नहीं किया गया। तो इसी बीच जब वो ढूंढ रही हैं सारे में, तो उनकी निगाह पड़ती है उस मूर्ति पर। वो जाती हैं और मूर्ति के गले में वरमाला डाल देती हैं। लेकिन जिस वक्त वो वरमाला डालती हैं, उसी वक्त वहां पर पृथ्वीराज सिंह चौहान पहुंच जाते हैं और वरमाला मूर्ति के नहीं बल्कि पृथ्वीराज सिंह चौहान के गले में ही डलती है। तो अब जब महाराजा जयचंद देखते हैं कि संयोगिता ने तो संयोगिता ने तो पृथ्वीराज सिंह चौहान के गले में माला डाल दी है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और तलवार लेकर संयोगिता को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो संयोगिता को हट करें, पृथ्वीराज सिंह उठाकर संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाते हैं और उनको लेकर वहां से चल देते हैं और अपने साम्राज्य दिल्ली लेकर आ जाते हैं। अब इस किस्से के बाद से महाराजा जयचंद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो किसी भी हाल में बदला लेना चाहते हैं। तो इसीलिए वो दोस्ती करते हैं मोहम्मद गौरी से और जाकर दिल्ली पर अटैक करते हैं। लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान मोहम्मद गौरी को 16 बार जंगों में हरा देते हैं और साथ ही हर बार अपनी दरिया दिली साबित करते हुए उनको छोड़ देते हैं, मतलब उनको बंदी नहीं बनाते। लेकिन जब 16 बार उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद गद्दारी करते हुए महाराजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को अपनी आर्मी का सपोर्ट दिया और आर्मी का सपोर्ट मिलने के बाद मोहम्मद गौरी तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो वो अपनी सारी आर्मी लेकर गया और उसने अटैक किया 17वीं बार। अब जब 17वीं बार अटैक किया गया तो पृथ्वीराज सिंह चौहान उतनी ज़्यादा उनकी आर्मी के सामने इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसीलिए वो हार गए और पृथ्वीराज सिंह चौहान को बंदी बना लिया गया। साथ ही उनकी आंखों को गरम गरम लोहे की सलाखों से जला दिया गया और उनको बहुत ही अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता था। कुछ टाइम तक टॉर्चर करने के बाद मोहम्मद गौरी ने सोचा कि अब मैं मार देता हूँ पृथ्वीराज सिंह चौहान को, जिसके लिए पूरी सभा इकट्ठी की गई। अब उस सभा में एक इंसान थे, महाकवि चंद्र बरदाई, जो कि पृथ्वीराज सिंह चौहान के बचपन के दोस्त थे। तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज सिंह चौहान को शब्द भेदी बाण में महारत हासिल है। ये सुनने के बाद मोहम्मद गौरी को लगा, ओहो वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, तो चलिए क्यों ना इसी खेल को खेला जाए। तो अब उस खेल को शुरू किया गया और मोहम्मद गौरी ने कहा कि ये है तुम्हारा निशाना और तुम्हें अपने शब्द भेदी बाण से तीर चलाना है और इस निशाने को चूकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए चंद्र बरदाई ने एक दोहा बोला जिससे उन्होंने उनको बताया कि किस जगह पर तुम्हें निशाना लगाना है और उन्होंने उस दोहे से बताया कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा हुआ है। दोहा कुछ इस प्रकार से था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, चा ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो जब उन्होंने ये दोहा सुना, उन्होंने अपना निशाना साधा और वो निशाना जाकर लगा मोहम्मद गौरी के और मोहम्मद गौरी का खात्मा हो गया। अब इसके बाद क्योंकि वहाँ तो इतने सारे दुश्मन मौजूद थे और वो दो ही लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दुश्मनों के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे के हाथ से मर जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। तो जब ये खबर पहुँची संयोगिता के पास तो वो भी एक वीरांगना की तरह सती हो गई। तो इनकी ये खूबसूरत कहानी हिस्ट्री में गोल्डन शब्दों में लिखी हुई है, जिसको अब हमें दिखाने वाले हैं अक्षय कुमार अपनी फिल्म के साथ। इस फिल्म में हमें इनकी पूरी डिटेल में कहानी देखने को मिलेगी और फिल्म रिलीज़ हो रही है अगले साल 21 जनवरी को। उम्मीद करते हैं इस फिल्म में अक्षय कुमार अपनी बेहतरीन अदाकारी से इस फिल्म को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो इस फिल्म से जुड़ी और जो भी खबरें हमें मिलती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, या आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।